हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम पालक पनीर बनाएंगे। उसके लिए मैंने पालक को बॉईल कर लिया है और ये 3 से 4 टमाटर काट लिए हैं और ये 2 मीडियम साइज के प्याज काट लिए। अब हम इनको मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए हमने ये पैन में घी गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए इसको ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। देखिए ये जीरा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें पिसे हुए प्याज डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए प्याज को ब्राउन होने तक ऐसे ही पकाएंगे। देखिए ये प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। आमचूर पाउडर डालने से इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। इसमें हमने मसाले ऐड कर दिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ढककर पकने के लिए रख देंगे। देखिए मसाले अच्छे से पक के तैयार हैं। अब हम इसमें ये मैंने मिक्सी में इसको पालक को अच्छे से पीस लिया है और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार लें। मिर्च मैंने इसमें हरी डाली है, लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च से और भी ज्यादा टेस्ट आता है। देखिए देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा 1/2 गिलास पानी डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से, देखिए ज्यादा पानी नहीं डालेंगे हम इसमें, थोड़ा ही पानी ऐड किया हमने इसमें। देखिए देखिए फ्रेंड्स इसका कितना अच्छा कलर हो गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिला के और इसको ढककर पकाएंगे। देखिए ये पालक बनके तैयार है। अब हम इसमें कटे हुए पीसेज पनीर के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए देखिए ये पालक पनीर कितना स्वाद बन गया है। देखिए देखिए ये पालक पनीर बनके तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। बाय।